हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों दिया माता पार्वती ने गौ माता को झुंठन खाने का श्राप। तीज का दिन था और माता पार्वती का तीज का व्रत था। जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान शिव को माता के साथ में थोड़ी हंसी ठिठोली करने का मन हुआ और माता पार्वती को चिढ़ाने के लिए भगवान कहीं छुप गए। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था। माता ने भगवान को हर जगह ढूंढा, गुफा में ढूंढा, पहाड़ों पे ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, चारों ओर माता ने प्रभु को ढूंढा, पर प्रभु माता को नहीं मिले। आखिर में माता थक हार कर बैठ गई और प्रभु के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन महादेव नहीं आए। माता ने सोचा, प्रभु तो समग्र सृष्टि के नाथ है, उन्हें कहाँ क्या हो रहा है सब पता होता है। प्रभु मुझे पूजा करते हुए देखेंगे तो जरूर प्रकट होंगे। यह सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूजा करना शुरू किया। जैसा माता ने सोचा था वैसा ही हुआ। भगवान अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही माता की पूजा संपन्न हुई और महादेव प्रकट हो गए, माता को चिढ़ाते हुए बोले, देवी आपने तो अकेले ही पूजा संपन्न कर ली, हमारी तो प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों किया देवी आपने? हे प्रभु, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, पर सूर्य अस्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली और अपना व्रत संपूर्ण किया। प्रभु ने फिर ठिठोरी करते हुए कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ, इसका कोई प्रमाण है? तब माता ने थोड़ी दूर एक गाय को देखा, ये गाय हमारी पूजा की साक्षी है, आप इसी से पूछ लीजिए। गाय भी जानती थी कि प्रभु माता के साथ ठिठोली कर रहे हैं। प्रभु ने गाय से पूछा तो गाय ने ना में सर हिला दिया। प्रभु ने कहा, हे देवी, हमें सब पता है, हम तो बस आपके साथ में थोड़ी सी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन माता को गाय पर क्रोध आ गया, तूने मेरे स्वामी के सामने मुझे झूठा साबित करने का प्रयास किया है, उसी तरह कलयुग में तू झूठन ही खाएगी, चाहे तुझे कितना भी अच्छा भोजन मिलेगा पर तू झुंटन के पीछे ही भागेगी। गौ माता बहुत दुखी हो गई। तभी प्रभु ने कहा, हे देवी, गाय ने हमारे कहने पर ही झूठ बोला था। यह सुनकर माता को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने गौ माता को आशीर्वाद दिया, वह दिव्य जन्म है और उनके सभी गुणों जैसे ही वैसे ही रहेंगे, लेकिन मेरा श्राप टल नहीं सकता। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।